हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रेड ऐप के एक नए फीचर्स के बारे में, जिसका नाम है गाइस क्रेड गैराज। तो चलते हैं सीधे एप्लीकेशन में। तो जैसे ही एप्लीकेशन को आप ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाता है क्रेड गैराज, ठीक है। तो गाइस, आपका कोई भी गाड़ी हो, जैसे आप बाइक यूज़ करते हो, कार यूज़ करते हो, जैसे ही आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपका कार का हो, बाइक का हो, किसी भी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, आप डालते हैं, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका ये बाइक कौन सा है, कार कौन सी है और उसका इंश्योरेंस क्या है, ट्रैफिक चलान्स कितने हुए हैं, पॉल्यूशन चेक कितना हुआ है, तो सब यहाँ पे आपको बताता है, ठीक है। बाकी आपका गाड़ी का डिटेल्स जो है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देख लेते हैं, इसमें अभी बाइक का मैंने लिंक किया हुआ है, मेरे पास बाइक है गाइस, तो उसका यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो बाइक का हम देख लेते हैं क्या क्या बताता है। व्यू व्हीकल डिटेल्स यहाँ पे हम करते हैं, आपके जो व्हीकल का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पावर माइलेज 46 KMPL, यानी कि 46 या ज़्यादा दिखा रहा है, 40 KMPL है। बाकी यहाँ पे देख पा रहे हैं हम रजिस्ट्रेशन, बाकी TVS और ये सब, मॉडल नंबर, सारा इंजन नंबर, सब कुछ यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ट्रैफिक चलान, इंश्योरेंस क्या है आपका, इंश्योरेंस भी आप यहाँ पे देख सकते हो कितना क्या है, वैलिड है, इनवैलिड है और क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चलान, आपका जो चलान है, आपने जो बहुत अच्छी तरह से बाइक चलाई है और आपने कुछ ट्रैफिक को कुछ भुगतान किया है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मेरा 0 चलान्स फाउंड, मैंने हमेशा हेलमेट निकाल के चलाया है, बिना हेलमेट के चलाया है, इसलिए मुझे कोई यहाँ पे चलान नहीं हुआ है। क्या मिल रहा है यार, क्लेम नाउ, क्या है ये, ये कार मिलने वाली है क्या मुझे, लगते हैं घंटा मिला। तो गाइज, इसमें आपका जो भी है पॉल्यूशन चेक कर सकते हो आप, अपडेट यहाँ पे पॉल्यूशन चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अपने बाइक का या कार के बारे में पूरा डिटेल्स। तो गाइज, जिसको जो क्रेड पे नए हैं, जिनको पता नहीं है क्रेड क्या होता है, तो उनके लिए मैं एक बता दूं कि जो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उसका बिल ड्यू डेट कब है, बिलिंग ड्यू डेट कब है, आपका मिनिमम ड्यू डेट कब है, जो आपका स्टेटमेंट है वो कब है जनरेट होता है, तो आपका ये पूरा जो है ये क्रेड ऐप आपको बता देता है इसमें क्रेडिट कार्ड्स में, ठीक है। तो आपने कितना स्पेंड किया, यहाँ पे क्या क्या स्पेंड किया, ये सब आपका यहाँ पे बता देता है। आपका जो SBI ऑनलाइन वेबसाइट है कार्ड का, उसमें आपको लॉगिन करना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप यहां से करके देख सकते हो। और गाइस, कुछ भी आपका जैसे बिल पेमेंट करते हो, रिचार्ज करते हो, कुछ भी आपको, तो रिवार्ड्स भी मिलते रहते हैं। तो रिवार्ड्स मुझे कितना मिला है आपको बता देता हूं। ये मुझे अभी तक 4096 का रिवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। तो आप इस ऐप को यूज करके आसानी से रिवार्ड्स भी कमा सकते हो डेली। क्रेडिट कार्ड का भी जैसे पेमेंट आप करते हो तो कुछ ना कुछ आपको रिवार्ड्स मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करना, आपको 250 रुपीज़ ज्वाइनिंग आपका रिवार्ड्स मिलेगा, 250 रुपीज़, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको फीचर्स जो है यहाँ पे पूरे मिल जाते हैं, बिल चार्जेस का, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, मोबाइल बिल हो, या किसी चीज़ का भी बिल हो, यहाँ पे आप करा सकते हैं। हाउस रेंट भी आप दे सकते हो, मोबाइल रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड्स, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपका कुछ मान लीजिए बैलेंस आपके पास नहीं है अकाउंट में और आपको कुछ बिल पेमेंट करना है या कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और आप क्रेडिट कार्ड से यूज करना चाहते हो, तो जैसे ही आप हाउस रेंट नॉर्मली आप अगर करते हो तो आपका कुछ 99 रुपीज़ या 100 रुपीज़ आपका चार्ज करता है क्रेडिट कार्ड फीस, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, इसमें आपको एजुकेशन फीस में आपको यहाँ पे करना है, एजुकेशन फी में आपको किसी का भी
अकाउंट नंबर जिसको आप जानते हैं, इसको आप वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफ़र डायरेक्टली टू बैंक। तो गाइस ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, कॉलेज फीस कर देते हैं। कॉलेज फीस तो आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है, अकाउंट नंबर डालना है अपने दोस्त का, ठीक है, और यहाँ पे विथ क्रेडिट कार्ड कर देना है। आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटेगा, जो नॉर्मल चार्ज होता है वो कटेगा, ठीक है गाइस। तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल पोस्टपेड इंश्योरेंस प्रीमियम सब कुछ यहाँ पे एक ऐप से कर सकते हैं। इसको हम ऑल इन वन ऐप बोल सकते हैं, ठीक है। गूगल पे, फ़ोनपे ये सब भूल जाओ, क्योंकि इसमें रिवार्ड्स नहीं मिलते हैं, इसमें आपको डेली कुछ ना कुछ रिवार्ड्स मिलते रहते हैं, ठीक है। बाकी इसमें ये फीचर्स आ गया है स्कैन एंड पे का। इसको डायरेक्टली आप स्कैन यहाँ से करके डायरेक्टली जो क्यूआर कोड को है पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप यहाँ से पे कॉन्टैक्ट्स, आप भी यहाँ से जिसको भी करना है पे कॉन्टैक्ट्स यहाँ से, बैंक ट्रांसफ़र, सेल्फ ट्रांसफ़र, फ़ोन नंबर, यहाँ सब कुछ हर तरह की इसमें जो सुविधा दी गई है। तो गाइस जल्दी आप इसको जाके डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कीजिए ऐप को, और रजिस्टर कीजिए अपने मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से क्रेडिट कार्ड इंटर कीजिए और क्रेडिट के मजे लीजिए, ठीक है। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो ऐप इंस्टॉलेशन में या सेटिंग में, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।